नमस्कार, मैं रंजन कुमार अमृतपुरी, अमृतपुरी से आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे है, यानी विश्व आत्महत्या निषेध दिवस। आज हम सभी दुनिया भर में एकजुट होकर दुनिया में बढ़ रही आत्महत्या का जो ग्राफ है उसको नियंत्रण करने के लिए और विशेष रूप से युवा पीढ़ी को और बच्चों को आत्महत्या के गिरफ्त से बचाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि आज हमारे समाज में जो बच्चे और युवक और महिलाएं जो हैं वो तनाव और मानसिक समस्याओं के माहौल में जी रहे हैं, और उन्हें जब कोई रास्ता नहीं नज़र आता है तो वो आत्महत्या का रास्ता चुनते हैं। जबकि सनातन धर्म और जैन आचार्यों के अनुसार आत्महत्या एक महापाप है। जीवन हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमें इस दुर्लभ मानव जीवन को हाँ और आत्महत्या को ना कहने का संकल्प करना चाहिए आज के दिन। और हमें समाज में बच्चों, युवकों और महिलाओं को आत्महत्या के जो जाल हैं उनसे बचाने का प्रयास करना चाहिए। हम सभी को आज यह विचार करना होगा कि यह जो विश्वव्यापी ज्वलंत समस्या है आत्महत्या की, इसके क्या कारण है। इस कारण को जब हम समझेंगे तभी हम इस समस्या को दूर कर सकते हैं और युवाओं, बच्चों और महिलाओं को इस समस्या से बचा सकते हैं। सबसे बड़ी बात है, आज हमारे समाज में मानवता की घटती जा रही है। लोग जो है रातों रात अमीर बनना चाहते हैं, इंसानियत को भूल गए हैं, ईमानदारी भूल गए हैं, और उन्हें कानून का डर नहीं है। यही कारण है कि हमारे समाज में जो है सामाजिक अपराध बढ़ता जा रहा है। लोग विवश हैं समस्याओं को झेलने के लिए, और ये जो ज्वलन समस्या है आत्महत्या की, इसके लिए जिम्मेदार हमारे समाज के लोग हैं, क्योंकि उनकी खामोशी और उनका पीड़ित लोग यानी जो मानसिक रूप से पीड़ित हैं उसके प्रति उनकी जो भावनाएं हैं और व्यवहार है वह जिम्मेदार है। इस धरती पर सभी बच्चे जन्म लेते हैं खुशहाली से जीने का आशीर्वाद लेते हुए, लेकिन यह समाज जो है वह उन्हें खुशी से अपने अधिकारों की रक्षा करते हुए जीने नहीं देता है। शिक्षा व्यवस्था, कानून व्यवस्था और पुलिस विभाग में जो भ्रष्टाचार है, साथ ही साथ न्यायालय में भी जो भ्रष्टाचार है, और साथ ही साथ जो समाज में बढ़ता हुआ भूमाफिया का जो शिकंजा है, बच्चों पर जो अनावश्यक और उम्र के अनुसार जो पाठ्यक्रम नहीं होते हैं, और साथ ही साथ माता पिता और शिक्षकों का जो दबाव होता है बच्चों पर कि हाईएस्ट मार्क्स लाना है, यही कारण है कि आज जो है बच्चे और युवक जो है वो आत्महत्या का शिकार होते जा रहे हैं, और ऐसे पीड़ित लोगों की ओर कोई ध्यान नहीं देता है।
इसके लिए हम सभी को एकजुट होकर एक दूसरे का ख्याल रखने की आवश्यकता है, उनकी खुशहाली के लिए, उनके अधिकारों की रक्षा के लिए। और इसकी शुरुआत हम घर से कर सकते हैं, सुख दुख में साथ देकर। स्कूल्स में, स्कूल के छात्रावास में, कॉलेज के छात्रावास में, कॉलेज में, कॉलेज परिसर में, धार्मिक स्थलों पर, यानी सभी जगहों पर हमें एक दूसरे के अधिकारों की रक्षा और एक दूसरे को खुश रखने का प्रयास करना चाहिए। किसी का भी अधिकारों का हनन नहीं हो। और वैदिक जो नियम है उसे पालन करते हुए हम समाज में खुशहाली कायम रखते हुए, मानव अधिकार की रक्षा करते हुए, साथ ही साथ इंसानियत को बचाते हुए, अगर हम एक दूसरे के अधिकारों की रक्षा करेंगे और एक दूसरे के जीवन का महत्व देंगे, तो हमारे समाज में जो अपराध संस्कृति बढ़ता जा रहा है और जो पीड़ित है वो आकाश में ईश्वर को देखता है और उनसे न्याय की अपेक्षा करता है। तो ऐसा करके हम यह बढ़ती हुई ज्वलन समस्या पर अंकुश लगा सकते हैं, साथ ही साथ शिक्षा व्यवस्था में सुधार करके भूमाफियाओं पर अंकुश लगाकर, कानून में सुधार कर, पुलिस व्यवस्था में सुधार कर, साथ ही साथ UPSC चयन समिति में भी सुधार की आवश्यकता है, ताकि जो देशभक्त लोग हैं वही IAS IPS बनकर देश की सेवा कर सके और देश में बढ़ते हुए भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा सके। साथ ही साथ समाज में इंसानियत को सम्मान, न्यायालय में न्याय की देवी को सम्मान, और थाना में जो पीड़ित हैं उन्हें भी सम्मान मिले और जो अपराधी है उन्हें कठोर सजा मिले, तो हम समाज से जो ये बढ़ता हुआ ज्वलन समस्या है आत्महत्या का, उस पर हम अंकुश लगा सकते हैं। कानून बनाने से किसी के अधिकारों की रक्षा नहीं हो सकती है। सबसे बड़ी बात है, आज हमारे समाज में राजनीतिक अपराधीकरण के कारण सभी जगह भ्रष्टाचारियों का बोलबाला है। न्यायप्रिय लोगों को न्याय नहीं मिलती है। न्याय की देवी न्यायालय में डर से नहीं जाती हैं, वो भयभीत है भ्रष्टाचार के कारण। आइए हम सभी मिलकर इंसानियत के साथ मानव अधिकार की रक्षा करते हुए एक दूसरे का ख्याल करें और उन्हें इस धरती पर खुशहाल जीवन व्यतीत करने में सहयोग करें, और इस समाज से आत्महत्या जैसी जो समस्या है उसको दूर भगाएं और एक खुशहाल समाज का निर्माण करें और देश के विकास में अपना सहयोग करें। और युवा शक्ति का उपयोग राष्ट्र निर्माण में करें और हम सभी भारत माता की सेवा करें तन मन धन से, इंसानियत के साथ। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं रंजन कुमार अमृत दी न्यूज पटना बिहार, नमस्कार।